बिहार शरीफ में और सासाराम में हिंसा भर की। हमारे साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा है। दो जिले दंगे की आग में झुलस गए, जिसमें से एक जिला नीतीश का है, गृह जिला है। देखिए, दोनों जिलों में सुनियोजित तरीके से दंगा करवाया गया है और इस दंगा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि अमित शाह जी की सभा को रोकना। और सरकार जिस तरह से लापरवाही बरत रही है और दंगाइयों को छोड़ रही है, दंगाइयों पर एक तरह से मर्सी कर रही है और जो लोग विक्टिम हैं उनको जेल के अंदर डाल रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार को चेतावनी है कि जल्दी सही तरीके से दंगाइयों को जेल के अंदर नहीं डालती है, सजा नहीं देती है, तो जनता इसका जवाब देगी। अच्छा, अमित शाह के रैली को डिस्टर्ब किया जाए, कैंसिल करा दिया जाए, इसलिए सब घटना कराई गई। इसका एकमात्र उद्देश्य था अमित शाह जी की रैली को रोकना। वो नवादा में भी रोकना चाहते थे लेकिन यहाँ की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। क्या सत्ता पक्ष वालों का हाथ है दंगों में? देखिए, दंगा सुनियोजित है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है? सरकार एक पक्षीय है। सरकार तुष्टिकरण की नीति के तहत एक समुदाय विशेष को परेशान कर रही है, दूसरे समुदाय के दंगाइयों को राहत दे रही है।